रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरान में आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर टर्न वोट पर जोर देकर कहा कि इस्लाहात का रास्ता इंतखाबात से गुजरता है। मशरकी अज़रबैजान सूबे के लोगों के एक ग्रुप के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि सबको इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। इंतखाबात इस्लामी जमहूरिया का बुनियादी स्तून है। मुल्क में इस्लाहात का रास्ता इंतखाबात के जरिए है। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि सियासी इख्तलाफात दुश्मनों के मुकाबले में मिलते ईरान के कौमी इत्तेहाद को मुतासर नहीं करने चाहिए। ये मत समझो कि दुश्मन कमजोर और नाअहल है। हत्ता कि एक अहम शर्त दुश्मन की सलाहियतों को जानना है, फिर भी इससे डरना नहीं। वाज़ेह है कि ईरान में 1 मार्च को होने वाले पार्लियामानी और माहरीन की असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं। पार्लियामानी इंतखाबात हर 4 साल बाद होते हैं। इस मरतबा होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में तकरीबन 15,000 उम्मीदवारों को हिस्सा लेने की मंजूरी दी गई है। दूसरी तरफ माहरीन की असम्बली के इंतखाबात में 144 उम्मीदवार 88 नशिस्तों के लिए मैदान में है। ये ऐसी असम्बली है जो रहबर मुअज़्ज़म इंकलाब इस्लामी की सरगर्मियों का इंतखाब और निगरानी करती है और सुप्रीम लीडर की तकर्री या उन्हें बरतरफ करने का इख्तियार भी रखती है। हालिया महीनों में आयतुल्लाह खामनाई ने मुसलसल लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की तरगीब दी है। पिछले महीने उन्होंने कहा कि जो भी इंतखाबात की मुखालफत करता है वो इस्लामी जमहूरिया और इस्लाम की मुखालफत कर रहा है।